हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पूजा है। आपके मन में सवाल होगा कि इस दिन खुद रामलला क्या पहनने वाले हैं। उनके लिए 2 रंग के कपड़े तैयार हो रहे हैं, एक हरा दूसरा भगवा। वैसे रामलला के कपड़ों में भगवा रंग इससे पहले शामिल नहीं था। राम लला के हरे रंग के कपड़े। राम लला और उनके 4 भाइयों के बैठने की हरे रंग की चादर। पर उसी दुकान में पहली बार राम लला के लिए भगवा रंग के कपड़े और चारों भाइयों के बैठने के लिए भगवा रंग की चादर भी तैयार करवा ली गई है। जो बनकर तैयार है वो राम लला का कपड़ा है। भगवान प्रभु श्री राम 5 अगस्त को कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन से कलर का होगा, ये सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब रामलला का परिधान बनकर पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर पूजा के दिन रामलला किस रंग के कपड़े पहनेंगे, इस विषय पर 2 राय की स्थिति नजर आ रही है। पर ऐसा क्यों है? क्या इससे पहले भी कभी पोशाक को लेकर ऐसी 2 राय बनी है? हमने पोशाक तैयार करने वाले भगवत प्रसाद से पूछा तो उन्होंने 2 रंग की पोशाक के बारे में जानकारी दी। उस दिन भगवान रामलला हरा पोशाक बन गया है, केसरिया भी बन रहा है, वो भी जो है हो सकता है भगवान केसरिया भी पहन सकते हैं। शुभ दिन के हिसाब से शुभ दिन हरा भी है और केसरिया भी है। अब जैसा ठाकुर जी की इच्छा होगा वो पहनेंगे। पोशाक हमारे यहाँ दोनों तैयार है। इस बार ही 2 रंग की पोशाक बनाने का आदेश आया या पहले भी ऐसा हुआ है? रामलला हर दिन कपड़ा बदलते हैं तो क्या उनके कपड़ों के रंग में भगवा रंग के कपड़े भी शामिल हैं? इस सवाल का जवाब रामलला के कपड़े सिलने वाले भगवत प्रसाद से ही सुनिए। तो बुद्ध को हमारे शास्त्र के हिसाब से, साधु संतों के हिसाब से 7 दिन के 7 पोशाक बनते हैं। बुद्ध को हरा, बीफे को पीला और सूख को क्रीम कलर, शनिवार को नीला, रविवार को गुलाबी और सोमवार को सफेद और फिर मंगलवार को लाल। तो यहाँ ये साफ हो गया है कि रामलला के साप्ताहिक कपड़ों में भगवा रंग के कपड़े किसी दिन नहीं है। फिर हरे के साथ भगवा के ही वस्त्र बनाने की बात क्यों हुई? मामला हरा और भगवा के बीच ही क्यों अटका है? इन सवालों के साथ हम रामलला विराजमान के पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी से मिले। हरे रंग और भगवा रंग के कपड़ों के बारे में सवाल पूछा। एकदम बिल्कुल चर्चा हो गई है और थोड़ा सा रहा कि नहीं भगवा ध्वज भगवा कपड़ा पहनाया जाए, उसका समाधान हो गया। जिसे चंपत राय जी से इस विषय में उन्होंने कहा नहीं, वो भगवान के वस्त्र हैं और हरा तो प्रकृति का देन है और हमारी प्रकृति पूरी हरम में है, इसलिए हरा कपड़ा पहनना उचित नहीं है। यहाँ बुधवार को हरे वस्त्र की पुष्टि होती है। ऐसे में जब बुधवार को रामलला को हरे रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और पूजा बुधवार को ही है तो कायदे से हरे रंग की पोशाक ही पहननी चाहिए, तब भगवा वस्त्र बनाने की बात क्यों हुई? इस प्रश्न के जवाब में मुख्य पुजारी के जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए। एकदम बिल्कुल चर्चा हो गई है और थोड़ा सा रहा कि नहीं भगवा ध्वज भगवा कपड़ा पहनाया जाए। मतलब इस विषय पर चर्चा हुई कि हरा पहने या भगवा, पर समाधान हरे रंग पर हुआ। पर सवाल ये है कि फिर भगवा रंग के कपड़े की तैयारी क्यों जारी है? ऐसे में सवाल बाकी है कि बुधवार को रामलला की पोशाक हरी होगी या भगवा। अयोध्या से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। तो बुधवार के दिन हरा पहनने का महत्व भले ही हो, लेकिन सवाल और संशय बरकरार है कि वो भगवा पहनेंगे या हरा, लेकिन पोशाक पहनाई कैसे जाएगी, इस पर स्पेशल रिपोर्ट ज्ञानेंद्र तिवारी लेकर आए आपके लिए। ये जो पोशाक उस दिन धारण करेंगे रामलला, वो बन गया है या फिर अभी बन रहा है? बन गया है। हा? वो पोशाक बन गया है। ये अच्छा, क्या क्या बना है बताइए जरा। ये सबसे ऊपर क्या है? ये राम जी का उपवस्त्र है जिसको गमछा कहते हैं।
अच्छा अमछा, और ये राम जी का बागा है। अच्छा ये गमछा है, इसको जरा हाँ, अलग करिए। ये गमछा है और ये बागा है। हाँ, इसको अच्छा। पहनाने के बाद ये गमछा ऐसे लगा देंगे, जैसे हम लोग गमछा रखते हैं वैसे ठाकुर जी भी गमछा रखते हैं। ये पीछे बिछौना है, एक अच्छा, बड़ा इसके नीचे बिछौना है। बिछौना कहाँ दिखाइए। ये बिछौना है, ये एक बहुत बड़ा बिछौना है जिसमें चारों भाई बैठेंगे। वो बड़ा बिछौना कहाँ है जो जिसमें चारों भाई बैठेंगे? वो भी बनकर तैयार है, वो भी इसको जरा फैलाइए, इसको फैलाइए जरा। ये बहुत बड़ा बिछौना है। अच्छा, इसको पकड़िए जरा, पकड़िए इसको, आप भी पकड़िए, दिखाइए कितना बड़ा। इसमें चारों भाई, ये देखिए आप, ये जो बिछौना जिसकी बात ये कर रहे हैं, जिसमें चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसका भी बिछौना है, पर्दा है, बागा है, सब इसका भी पूरा तैयार है। ये देखिए इसका भी बिछौना तैयार है इतना बड़ा। इसको भी खोल के दिखाइए जरा। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भागवत प्रसाद जी नाम है आपका ना, ये कह रहे हैं कि दोनों ही परिधान, इसका भी बिछौना देखिए ये कितना सुंदर दिखने में है, और ये भी बनकर तैयार है, और जो हरे कलर का है वो भी बनकर तैयार है। अब जो आदेश होगा, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त कह रहे हैं और उस समय विशेष दिन है, ऐसे में ये पूरा बिछौना बनकर तैयार है। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की मुहूर्त को लेकर और ज्यादा विवाद बढ़ता चला जा रहा है। अब एक बार फिर से शंकराचार्य ने स्वरूपानंद सरस्वती ने इस बात को लेकर आपत्ति कर दी है कि ये मुहूर्त अशुभ है, और अगर इस अशुभ मुहूर्त पर शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो मंदिर अधूरा रह जाएगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक अगर 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो काम बीच में ही अधूरा रह जाएगा। ये शुभ मुहूर्त में यदि इसको नहीं करेंगे तो ये कार्य जो है बीच में अधूरा रह जाएगा, जैसा कि पहले हो चुका है। इसलिए हमारा ये कहना था कि शुभ मुहूर्त में ही इसको किया जाए। शंकराचार्य ने 5 अगस्त को भूमि पूजन कराने के फैसले को राजनीति से भी जोड़ दिया है। कश्मीर की 370 दफा समाप्त करके और उसको केंद्र शासित बनाया, उसी को आधार बनाकर यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी 5 तारीख के फैसले पर अडिग है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के जो अध्यक्ष हैं और इस विषय के परम विद्वान हैं, उनसे परामर्श किया, काशी के और अयोध्या के बाकी विद्वानों से परामर्श किया, सबकी सहमति से शुभ मुहूर्त तय हुआ है। उनका हम सब आदर करते हैं। भृगुनंदन शुक्राचार्य जिस तरह से दैत्यों के पक्ष में चले गए थे, तो शुक्राचार्य के प्रति लोगों के मन में तो आदर भाव था ही। आदरणीय शंकराचार्य हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति आदर है। हम लोग उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि दैत्य दल की बजाय देव दल के साथ रहें। अब जानिए फैस का धर्म नहीं होता। विकास, बिल्कुल फैस का धर्म नहीं होता। राम मंदिर निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ के राम भक्त फैस का इन दिनों सुर्खियों में। फैस का मतलब होता है भलाई करना। अपने नाम के मुताबिक ही फैज इस वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भलाई करने में लगे हुए, लेकिन फैज की अयोध्या यात्रा को लेकर उन्हें धमकी तक दी गई। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम भक्त फैज का साथ देते हुए कहा है कि अयोध्या में सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राम भक्त फैज खान को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का साथ मिला है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में फैज का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। इससे पता लगता है कि सारा समाज इस प्रसंग पर आह्लादित है, उत्साहित है। इससे अधिक इसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो वो कैरियर है, लेकिन मिट्टी तो कौशल्या के जन्म स्थान की है। मिट्टी अपवित्र नहीं होती, ये धरती की मिट्टी हमारी माँ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिर के निर्माण में फैज खान की तरफ से लाई जा रही मिट्टी को लेकर ऐतराज जताया था। मुसलमान दूर रहें मंदिर से, हम तुमसे द्वेष घृणा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पूजा पाठ में, हमारे मंदिर के निर्माण में खबरदार, जो आपने आगे कदम बढ़ाया तो तोड़ देंगे टांग को।
फैज खान छत्तीसगढ़ के चंदखुरी की मिट्टी लेकर 750 किलोमीटर दूर अयोध्या के लिए पैदल निकले हैं। रायपुर से लगे हुए चंदखुरी गांव को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। मनुष्य की मूल प्रकृति लोगों को जोड़कर सबको साथ लेकर चलने की है, मुख्य कर्म है। जो इस कर्म से अलग हट जाएगा यानी लोगों को तोड़ने का काम करेगा तो समझ जाइए वो स्वतः नष्ट हो जाएगा, ये गीता जी कह रही है। अब जानिए मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल का सच। दो दिन पहले ये खबर आई थी कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल होगा, लेकिन अब इस खबर को बेबुनियाद कहा गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया था कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल लगाने की तैयारी हो रही है। टाइम कैप्सूल के बाद भविष्य में मंदिर और उसकी जमीन को लेकर विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य ही सामने निकल करके आएगा ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक टाइम कैप्सूल की खबर बेबुनियाद है। मुझे लगता है ये किसी के मन में विचार आ गया है और अभी इसको मैं उसका निजी और काल्पनिक विचार है, ट्रस्ट का विचार नहीं है। ये कोई हंसी खेल नहीं है, कोई 2-4 दिन 8 दिन में बनने वाली वस्तु नहीं है। साफ है कि टाइम कैप्सूल को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के भीतर विवाद है। कामेश्वर चौपाल ने जो कहा उसे चंपत राय गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। इसके लिए तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिलकर काम करेंगे, इसलिए ये बात अभी एक निजी हो सकती है परंतु ये ट्रस्ट की आधिकारिक बात नहीं है। इट इज इररेस्पॉन्सिबल टॉक। 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होना तय है, लेकिन क्या बतौर प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना सही है? विरोधी तो यही सवाल पूछ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अदालती विवाद के बाद अब भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री भूमि पूजन में शामिल होने के लिए नहीं जाएं। अगर वो जाना चाहते हैं तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में जाएं और टीवी पर उसका लाइव प्रसारण नहीं हो। उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उसके कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जिस जगह राम मंदिर बनने जा रहा है वहां मस्जिद थी और उनके लिए मस्जिद ही रहेगी। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का मानना है कि पीएम के अयोध्या जाने में कुछ भी गलत नहीं है। संविधान और कानून से सम्मत है यहाँ मंदिर बनना, पूरे राष्ट्र की आकांक्षा भी है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु राम भक्त के नाते भी आए और पूरे राष्ट्र की इच्छा की अभिव्यक्ति में प्रधानमंत्री के नाते भी आए, मुझे दोनों ठीक लगती है। जब संविधान के दायरे में वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है तो संवैधानिक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का वहां जाना सर्वथा उचित है, श्रेयस्कर है, लेकिन ये बात मुल्ला तंत्र की समझ में नहीं आ सकती।